ये पोकेमोन सीरीज का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन मूव के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं एक दिन पोकेमोन सफर के लिए जाऊंगा, जो आपके लिए और मेरे लिए भी एडवेंचरस होगा। लास्ट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। मैं हूँ आयु और ये है आपका अपना चैनल मास्टर आयु। पोकेमोन की लिस्ट में 5वें नंबर पे है आर्शियस। आर्शियस ने पोकेमोन की दुनिया बनाई है। ऐसा माना जाता है कि इसके 1000 हाथ हैं। ये अपना टाइप चेंज कर सकता है और इसका मेन अटैक है हाइपर बीम। नंबर पे है म्यूटू। म्यूटू को एक लैब में जेनेटिक मैनिपुलेशन से बनाया गया था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट उसको संभाल नहीं पाए और वो लैब तबाह हो गई। म्यूटू के मेन अटैक है मेमोरी रेजर और साइकिक। तीसरे नंबर पे है मेगा रेक्वाजा। दोस्तों, जब रेक्वाजा ड्रैगन असेंट सीखता है तो वो मेगा रेक्वाजा बनता है। डिओक्सिस रेक्वाजा से नफरत करता था क्योंकि रेक्वाजा ने डिओक्सिस को पूरी दुनिया पे कब्जा करने से रोका था। प्राइमल कयोग्री। कयोग्री इंसानों का दुश्मन माना जाता है क्योंकि इंसानों को रहने के लिए लैंड चाहिए और कयोग्री को पानी। कयोग्री लैंड में बाढ़ लाना चाहता था। इसके मेन अटैक्स है वाटर पल्स और हाइड्रोपम्प। फर्स्ट नंबर पे है प्राइमल ग्राउडॉन। ग्राउडॉन बाकी लैंड पोकेमोन से बेटर है। मड शॉट की वजह से कायोग्रे ग्राउडॉन को नहीं हरा सकता। ग्राउडॉन लैंड में रहता है और कायोग्रे वाटर में, इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए दोनों आपस में फाइट करते रहते हैं। टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपकी मम्मा भी आपको मोबाइल, लैपटॉप और टीवी नहीं देखने देती? मेरी मम्मा तो मुझे मोबाइल नहीं देखने देती, टीवी नहीं देखने देती और लैपटॉप तो छूने भी नहीं देती। इसलिए मम्मा मेरी दुश्मन है। ये हमारे अगले वीडियो का टॉपिक होगा। अभी तक के लिए इतना ही। बाय।